मुसलमान होना बहुत आसान नहीं है। तुमने जब कह दिया ला इलाहा इल्लल्लाह तो जितने तकाजे ला इलाहा इल्लल्लाह के हैं वो सब पूरे करने पड़ेंगे। अच्छा, ला इलाहा इल्लल्लाह की मुसीबतें कम थीं कि तुमने मोहम्मद रसूलुल्लाह भी बोल दिया? मोहम्मद रसूलुल्लाह की तो और परेशानियाँ बढ़ गईं। और मोहम्मद रसूलुल्लाह की परेशानियाँ क्या कम थीं कि तुमने अली उन वलीउल्लाह भी बोल दिया? अब भी पूछोगे कि हमें कब तक मारा जाएगा? जब तक अली उन वलीउल्लाह पुकारोगे मारे जाओगे। इसलिए कि ये तो मुसीबतों का ऐलान है। अहले बैत का चाहने वाला तो कहते ही उसे हैं जो परेशानियों को ढूंढता हो, जो मसाइब को, आलाम को, परेशानियों को तलाश करता हो। इसलिए कि वो बुजदिल इंसान है जो परेशानी को देख के परेशान हो जाए। और हमें मज़ा इसलिए आता है परेशानियों में कि हमें पता है जब परेशानी आती है तो अली की याद आती है। लुत्फ है, खास लुत्फ है, खास लुत्फ है परेशानियों में। मुसलसल परेशानियां, ला इलाहा इल्लल्लाह की बड़ी भीड़ लग गई थी, मोहम्मद रसूलुल्लाह में भीड़ कम हो गई, कुछ लोग छट कर चले गए और हमने अली अलीला कहकर और अपने आप को भीड़ से अलहदा कर लिया और मुनफरिद लोगों में से करार पाए। बहुत मुश्किल काम है। और अगर कहीं लिखा है कि इसका कहना और ना कहना बराबर है, यानी इस माना में कि अली अलीला इख्तियार से कहो, ला इलाहा इल्लल्लाह कहने में इख्तियार नहीं है, कहने और ना कहने में इख्तियार नहीं है, कहना पड़ेगा। लेकिन अली अलीला कहने में इख्तियार रखा ही इसलिए है कि जो इश्क की वादी होती है वो होती ही इख्तियारी है। और फरमा रहे हैं आप हजरात, इश्क की वादी इख्तियारी होती है, इजबारी नहीं होती। तो वहां पर मैदान में जिन लोगों को आप लोग आमादा हैं, बात आगे बढ़े, मैदान में सरकार जो लेकर गए सिर्फ पांच हस्तियों को, उसका एक मोटा सा सबब यह था कि अगर जमीन और आसमान ने कोई सच्चा देखा है तो उसे अबू जर कहते हैं। नबी फरमा रहे हैं इस जमीन और आसमान ने अबू जर से ज्यादा सच्चा नहीं देखा। या रसूल अल्लाह, फिर अबू जर को क्यों नहीं लेके गए? वहां मसला ही झूठों पे लानत का था ना। किसी ने अगर अपनी जिंदगी में 99 मरतबा कौल में और फेल में सच बोला हो और सच करके दिखाया हो तो वो सच्चा जरूर है, मगर झूठों पे लानत नहीं कर सकता। मुबाहले में वो जाएगा कि जो झूठों पे लानत भी कर सकता हो। अच्छा, बहुत से लोगों को इस लफ्ज लानत से बड़ा तनाव है, खिंचाव है, जरा टेंशन है, परेशानी है। शायद मुझे इसलिए नहीं है कि मेरे पीर और मुर्शिद जो है उन पे लानत जाती नहीं है। उन पे दुरूद व सलाम जाता है, उन पे रहमत और बरकतें जाती हैं। तो लानत तो कुरान मजीद में जिक्र हुआ है। ये कुरान की आयत जो मैं पढ़ रहा हूँ, इसमें लानत अल्लाह अलल कातिबीन, ये आएंगे और झूठों पर अल्लाह की लानत भेजेंगे। अच्छा, जब ये आए तो नसारा नजरान ने देखा और कहा, खबरदार इनसे मुबाहला ना करना, ऐसे चेहरे देख रहा हूँ कि अगर इन्होंने पहाड़ को इशारा किया ना कि हट जा तो पहाड़ अपनी जगह से हट जाएगा। मालूम यह हुआ किरदार की ताकत इतनी होती है कि साहिब किरदार अगर पहाड़ को इशारा करे तो पहाड़ हट जाता है। ये ताकत किरदार की है। और ये भी तय कर दिया मसीहियों ने कि ये जो अंजुमन आई है पांच लोगों की, ये हम जैसे नहीं है। तो मसीहियों ने तो ये तय कर लिया कि पंजतन हम जैसे नहीं है, मुसलमान कहता है हम जैसे हैं, इसीलिए मुश्किलात का शिकार भी है। अच्छा, इन्होंने तो जिजिया देकर किस्सा तमाम कर दिया और मुबाहला नहीं हुआ। सवाल आपसे कर रहा हूं कि मुझे लानत आई थी वो गई कहां? तवज्जो कर रहे हैं आप? लानत आई थी ना अल्लाह की झूठों पर, तो ये तो सच्चे तो नहीं हो गए, झूठे तो रहे ये, मगर ये लानत गई कहां? इन्होंने माफी मांग ली, कहा साहब हमसे कुछ जिजिया ले लीजिए, हमें माफ कर दीजिए, हम आपसे मुबाहला नहीं करेंगे। मुबाहला नहीं किया है, अपने कौल में सच्चे नहीं हुए, नबी की बात को नहीं माना, मुबाहला नहीं किया। तो मेरे छठे इमाम से जब पूछा गया कि वो लानत गई कहां, तो हजरत ने फरमाया वो मुअल्लक है, जो भी अहले बैत के मुकाबले आता रहेगा उसमें लानत आती है।